शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। माँ, जिस बच्चे ने एक दिन मेरी बंदूक आपके चरणों में रखवा दी थी, आज उसी की रक्षा के लिए मुझे बंदूक उठानी पड़ रही है। क्षमा करना माँ, तुम्हें दिया हुआ वचन तोड़ रहा हूँ। सुनाओ प्रकाश बाबू, सुना है विजय सिंह तुम्हें बहुत चाहता है, देखता हूँ तुम्हारी जिंदगी का क्या दाम लगाता है। जाओ विजय सिंह से कह दो कि भैरव सिंह की लाश के साथ उसकी बहन का सुहाग भी मेरे कब्जे में है, काम दे और ले जाए, रात तक उसका इंतजार करूंगा, वरना इसको जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। प्रकाश जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर की जिंदगी के सामने मुझ जैसे हत्यारे की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है गौरी। और मेरे पति की जिंदगी की क्या कीमत चढ़ाई तुमने? मेरी बात समझने की कोशिश करो गौरी, मैं सिर्फ प्रकाश के लिए नहीं, इस नन्हे मासूम के लिए भी जा रहा हूँ। शायद मेरी इस कुर्बानी से दुनिया के तमाम साधारण बच्चों की तरह इसे भी पनपने का मौका मिले। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो विजय? तुमने अपने पिताजी की तकदीर पाई है और मुन्ना शायद तुम्हारी तकदीर पाएगा। मैं बातें नहीं वसीयत कर रहा हूं गौरी। समय अतीत या वर्तमान नहीं है गौरी, समय सिर्फ भविष्य है और हर भविष्य के लिए किसी न किसी वर्तमान को मरना ही पड़ता है। नहीं आया कायर, लगा दो चिता को आग। भैरव सिंह की चिता में आग मैं ही दे सकता था जालिम सिंह। आगे तुम भी अपने बाप की तरह बेवकूफ हो, क्या दोगे अपने होने वाले बहनोई की जिंदगी का दाम? तुम तो खाली हाथ आए हो। खाली हाथ नहीं, अपनी जिंदगी लेकर आया हूँ जालिम सिंह, दाम लो और प्रकाश को छोड़ दो। ले जाओ और इसे बांधो। बन गई ये जो कर जल्दी कर यार, टाइम बहुत लगा रहा है, जल्दी करो ना यार। प्रकाश प्रकाश मेरी बगल है। नहीं, मैं खुद आया हूँ तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए। मैं एक पुलिस अफसर हूँ विजय, और एक कातिल का एहसान नहीं लेना चाहता। तुम्हें गिरफ्तार करके फांसी के तख्ते पे पहुंचाना मेरा फर्ज है। फांसी के तख्ते तक मेरी मौत मुझे ले जाएगी। जिंदगी चाहे एक बार अपना रास्ता भूल जाए, लेकिन मौत अपना रास्ता नहीं भूलती। तुम जाओ प्रकाश, अकल मत बनो, मौका अच्छा है, यहां से भाग जाओ। मैं जाऊंगा तो तुम्हें हर सालिम सिंह को साथ लेकर। चलो कोई आ रहा है। अरे यार तुझे बहुत जल्दी लगी रहती है मोटे। ये अरे ये रामोतार कंधे पे कैसे लादे लिए जा रहा है? अरे मंगल है भैया, बहुत चढ़ गई है। अरे भाई ज्यादा पिएगा तो क्या चढ़ेगी नहीं।
तुझे आसानी से नहीं मरने दूंगा। विजय सिंह। आज मेरी और कालिए की दोस्ती की सालगिरह विजय सिंह, और तुम हम दोनों का जी खुश करोगे। कैसी रहेगी ये मौत? तुम जैसे कायर के हाथों मरने से ये कहीं अच्छा है कि मैं इस जानवर की भूख मिटाने के लिए मारा जाऊं। कालिया, जालिम सिंह, दौलत सिंह का बेटा किसी चीते या गीदड़ के हाथों से नहीं मारा जाएगा। अपने आदमियों से कह दो कि बंदूक के नीचे रख दें, नहीं तो तुम्हारी चिता को आग देने वाला भी कोई नहीं रहेगा। सड़क चक्र में पानी पर जाती है, तुम लोग उस तरह से जाकर गिरा डालो। राइट सर। मैं यहां से जाता हूं। Thank you.
से भाग रहा है कायर? अगर मौत से भाग रहा है तो उससे कोई भाग नहीं सकता, और अगर मुझसे भाग रहा है तो आज मैं तुझे भागने नहीं दूंगा। रुक जाओ विजय सिंह, हथियार फेंक दो। मैंने बंदूक फेंकने के लिए नहीं उठाई प्रकाश, तुम यहां से चले जाओ। पागल मत बनो विजय, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मेरे सामने कानून का नाम मत लो। उस वक्त कहा था तुम्हारा कानून, हाँ, जब तुम्हारा घटिया समाज मेरे देवता समान पिता की जिल्लत का तमाशा देख रहा था। एक दोस्त के नाते कहता हूं, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। आगे मत बढ़ो प्रकाश, नहीं तो गोली चला दूंगा। विजय, पागल ना बनो, हथियार फेंक दो। आप किस विजय को पुकार रहे हैं? आपका बेटा विजय तो मर चुका है। मैं डाकू विजय सिंह हूँ। रुक जाओ प्रकाश, आगे मत बढ़ो। जिद मत करो विजय। मैं कहता हूँ आगे मत बढ़ो प्रकाश। आज यहाँ से जाने के लिए विजय तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। मुझे मजबूर मत करो प्रकाश। विजय रुक जाओ, रुक जाओ प्रकाश। तुमने ऐसा क्यों किया बेटे, क्यों किया? क्योंकि मैं आपके हाथों मरना चाहता था। शायद अब ये दुनिया, ये समाज मेरे बेटे को श्री दौलत सिंह का पोता मानकर स्वीकार करे। मैंने समाज के सारे कर्ज अदा कर दिए पिताजी, पर आप पर बहुत से प्यार उधार है, 14 साल के प्यार। विजय